द एग्जॉर्सिस्ट, ये नाम है 1973 में आई उस हॉरर फिल्म का जिसे दुनिया की सबसे शापित फिल्म माना गया। ये फिल्म इतनी डरावनी थी कि इसे देखना मौत से आंखें मिलाने जैसा माना गया। कई लोगों को सिनेमाघरों में ही हार्ट अटैक आया, कई महिलाओं को मिसकैरेज हो गए। आलम यह था कि अमेरिका में जिस जिस सिनेमाघर में ये फिल्म लगी उसके बाहर एम्बुलेंस रखने की जरूरत पड़ने लगी। इस फिल्म का रिव्यू करने गए फिल्म क्रिटिक भी फिल्म शुरू होने के कुछ मिनटों बाद ही थिएटर से भाग गए। लेकिन कहानी इतनी सी ही नहीं है, ये फिल्म अपनी मेकिंग के दौरान ही साबित और मनहूस मानी जाने लगी थी। इस फिल्म की मेकिंग के दौरान इससे जुड़े 20 लोगों की मौत हुई, कई हादसे हुए। एक बार सेट जला तो उससे 9 लोग मारे गए। पूरा सेट जल गया लेकिन जिस कमरे में भूत वाले सीन फिल्माए जा रहे थे उसमें एक चिंगारी तक नहीं पहुंची। ये दुनिया की इकलौती ऐसी फिल्म थी जिसे देखने के बाद लोग इतने डिप्रेशन में चले गए कि भगवान पर यकीन दिलाने के लिए उन्हें चर्च से प्रीस्ट बुलाए जाने लगे, लोगों को काउंसलिंग की जरूरत पड़ने लगी। इसके बावजूद फिल्म को देखने का क्रेज ऐसा था कि शो के लिए सुबह 4 बजे से थिएटर के बाहर लाइन लग जाती थी, टिकट के लिए दंगे भी हुए। इन सबके बीच द एग्जॉर्सिस्ट पहली ऐसी हॉरर फिल्म बनी जिसे ऑस्कर में 10 नॉमिनेशन मिले। फिल्म ने 2 ऑस्कर और 4 गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीते। फिल्म ने कमाई के मामले में कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज आपको बताएंगे दुनिया की सबसे डरावनी फिल्म द एग्जॉर्सिस्ट के बनने और उसके बाद दुनिया में कायम हुए उसके डर की कहानी। बात 1969 की है। कॉमिक नॉवेलिस्ट और हॉलीवुड स्क्रीन राइटर विलियम फ्रेडकिन ने पहली बार हॉरर नॉवेल द एग्जॉर्सिस्ट लिखना शुरू किया। नॉवेल पब्लिश हुआ और बहुत हिट रहा। इस सफलता के बाद उन्होंने इस पर फिल्म बनाने का फैसला किया। वार्नर ब्रदर्स ने फिल्म की राइट्स खरीदे लेकिन जिस भी डायरेक्टर को ये फिल्म बनाने के लिए उन्होंने अप्रोच किया सब ने किसी न किसी कारण से फिल्म को इनकार कर दिया। आखिरकार तक हार कर नॉवेल लिखने वाले विलियम ने खुद इसे डायरेक्ट करने का फैसला किया। कोई बड़ा डायरेक्टर फिल्म में नहीं था तो बड़े एक्टर्स ने भी फिल्म से अपने हाथ खींच लिया। नतीजतन फिल्म में मामूली एक्टर्स लिए गए। फिल्म में लीड रोल निभाने वाली बच्ची के रोल के लिए विलियम ने 1000 लड़कियों के ऑडिशन लेने के बाद लिंडा ब्लेयर को साइन किया। 1973 में फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। शूट के दौरान एक चिड़िया के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बॉक्स में घुस जाने से पूरे सेट पर आग भड़क गई। सेट पर एक्ट्रेस रेगन का घर बनाया गया था जो फिल्म में मुख्य किरदार निभा रही थी। आग से पूरा सेट तबाह हो गया लेकिन जिस कमरे में भूत प्रेत वाले सीन फिल्माए जा रहे थे उस कमरे में आग की एक चिंगारी भी नहीं पहुंची। पूरा सेट जलने के बावजूद चमत्कारी तरीके से उस कमरे को बचा देख हर कोई हैरान रह गया। इस हादसे में 9 लोगों की जान भी चली गई। लगातार होते हादसों के बाद शूटिंग कर रहे लोग काफी डर गए, जिसे समझते हुए डायरेक्टर फ्रेडकिन ने चर्च के फादर थॉमस बर्मिंगम को सेट पर शुद्धिकरण के लिए बुलाया। फादर थॉमस ने डायरेक्टर से कहा कि अगर सेट का शुद्धिकरण हुआ तो सेट पर मौजूद लोग और भी डर जाएंगे, और फादर बिना शुद्धिकरण के ही सेट से लौट गए। फिल्म में क्रिस मैकनील की भूमिका निभाने वाली एक्ट्रेस एलन ब्रस्टिन को एक खतरनाक सीन शूट करना था। इस सीन के दौरान उन्हें तारों से लटका कर इधर उधर पटका गया था जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगी। वो दर्द से चीख रही थी लेकिन लोगों को लगा कि वो एक्टिंग कर रही हैं। एलन का दर्द इतना बढ़ गया कि उन्होंने गालियां देते हुए कैमरा बंद करने के लिए कहा। इस हादसे के बाद वो पूरी शूटिंग के दौरान बैसाखियों पर रही। फिल्म की दूसरी एक्ट्रेस लिंडा ब्लेयर को भी बैक इंजरी हुई जिससे वो ताउम्र स्कोलियोसिस से परेशान रही। क्लाइमैक्स सीन के दौरान ब्लेयर को -28 डिग्री सेल्सियस में सिर्फ एक पतली गाउन पहनकर शूट करना पड़ा था जिससे वो ऐसी बीमारी से शिकार हुई जिससे जिंदगी भर वो उभर नहीं पाई। पहली मौत जैक मैकगोरन की हुई जिन्होंने फिल्म में बर्क का रोल प्ले किया था। फिल्म में उन्हें शैतान के हाथों मरता हुआ दिखाया गया था। शूटिंग खत्म होने के एक हफ्ते बाद ही उन्हें 1973 में लंदन में फैले फ्लू से बर्क डोमिंग की अचानक मौत हो गई थी। इस फिल्म में फादर डायमन की मां का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस वालिसिकी मालियोसिस का भी फिल्म रिलीज से पहले ही निधन हो गया। वालिसिकी के पास फिल्मों का कोई अनुभव नहीं था। उन्हें एक रेस्टोरेंट में स्पॉट कर रोल ऑफर किया गया था। शूटिंग के दौरान लिंडा ब्लेयर, मैक्स वॉन साइडो और कई क्रू मेंबर्स के परिवार वालों की भी मौत हुई। शूटिंग के दौरान फादर कारास का रोल प्ले करने वाले जेसन मिलर के साथ भी गंभीर हादसा हुआ, और यहां तक कि सेट के वॉचमैन, सिस्टम ऑपरेटर और असिस्टेंट कैमरामैन के नवजात बच्चों की भी मौत हुई। लीड एक्ट्रेस रेगन के दादाजी शूटिंग शुरू होते ही गुजर गए। शूटिंग के पहले ही दिन एक्टर सैन वाइडो के भाई की मौत हुई जिससे उन्हें शूटिंग छोड़कर स्वीडन लौट जाना पड़ा। फिल्म रिलीज के 5 दिन पहले 21 दिसंबर 1973 को द एग्जॉर्सिस्ट की पहली स्क्रीनिंग रखी गई। सीन इतने भयानक थे कि कई दर्शक डर से चीखने लगे और कई थिएटर छोड़कर भाग गए। वार्नर ब्रदर्स के जो एग्जीक्यूटिव फिल्म का रिव्यू करने पहुंचे वो इतना डरे कि बीच में छोड़कर बिना कुछ बोले ही चले गए। जो चंद लोग सीट पर जमे रहे वो फिल्म खत्म होने के बाद भी कुछ देर तक बोलने की हालत में नहीं थे। मार्केटिंग स्ट्रेटजी के तहत इस फिल्म को महज 24 थिएटर में ही रिलीज किया गया था।
फिल्म देखने के लिए ठंड में सुबह 4 बजे से लोग टिकट लेने के लिए लंबी लाइंस में खड़े हो जाते थे। फिल्म देखने की होड़ ऐसी थी कि थिएटर के बाहर टिकट के लिए दंगे तक शुरू हो गए। कई शहरों में भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस तक बुलाई जाती थी। लिंडा ब्लेयर का पब्लिक क्रॉस के साथ एक सीन इतना आपत्तिजनक और हिंसक था कि उसे देखकर लोग उल्टी कर देते थे। यही नहीं, फिल्म देखकर लोग इतना डिस्टर्ब हुए कि नशा करने लगे। माउथ पब्लिसिटी से फिल्म देखने वालों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही थी। डरावने सीन देखकर कई लोगों को हार्ट अटैक आया, तो वहीं फिल्म देखने पहुंची प्रेग्नेंट महिलाओं का सिनेमाघरों में ही मिसकैरेज हो गया। लगातार हादसों, हार्ट अटैक, बेहोशी और मिसकैरेज के मामले सामने आने के बाद यूके में एम्बुलेंस को सिनेमाघरों के बाहर खड़ा किया जाने लगा। टोरंटो यूनिवर्सिटी थिएटर में एक रात इतने हादसे हुए कि 4-4 एम्बुलेंस लगानी पड़ी थी। फिल्म का बजट उस समय $2.5 मिलियन रखा गया था, लेकिन सेट पर लगातार हो रहे नुकसान के कारण शूटिंग चलती गई और बजट बढ़ता गया और फिल्म का बजट $2.5 मिलियन से $12 मिलियन को पार कर गया। हॉरर फिल्म मैगजीन काउंसिल ऑफ फ्रैंकेस्टीन को दिए गए एक इंटरव्यू में डायरेक्टर फ्रेडकिन ने कहा कि मैं जादू टोने में विश्वास नहीं रखता था, लेकिन ये फिल्म बनाते समय जो कुछ भी मैंने देखा उससे मेरा नजरिया बदल गया। स्पेशल इफेक्ट्स के सुपरवाइजर को भी शूटिंग के दौरान कुछ असाधारण चीजों का अनुभव हुआ। फिल्म के डरावने सीन देखकर कई लोगों की मानसिक स्थिति इतनी गंभीर हुई कि उन्हें इस फिल्म को जहन से हटाने के लिए चर्च के पादरी के पास जाकर मदद लेनी पड़ी। लोग इन्हें घर बुलाते जिससे उन्हें दोबारा जीसस पर भरोसा हो सके। वहीं कई लोग ऐसे भी रहे जिनकी फिल्म देखकर नींद ही गायब हो गई। खैर, क्या आप ये फिल्म देखना पसंद करेंगे या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।